नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बंगाल का जो क्राइसिस है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के विवाद को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक सिरे से खारिज किया है, उसे गलत बताया है। मेहता ने शुभेंदु से मीटिंग की बात से शुक्रवार को इनकार किया। मेहता को सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर के सॉलिसिटर जनरल को हटाने की मांग की है। तुषार मेहता ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को बिना बताए मेरे घर आते हैं और मैं मीटिंग में होता हूं, इसलिए मेरे स्टाफ ने शुभेंदु को इंतजार करने को कहा। मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद स्टाफ ने शुभेंदु को बताया कि मैं उनसे नहीं मिल सकता, वे मीटिंग में है और वो बिना कोई बात किए वहाँ से चले गए, इसलिए मेरी उनसे मुलाकात का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस मामले में तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन और सुखेंदु शेखर रॉय ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके तुषार मेहता को पद से हटाने की मांग की है। उनका ये आरोप है कि ये मीटिंग नारदा और शारदा केस के फैसले को प्रभावित करने के लिए की गई है। इधर तृणमूल का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नारदा और शारदा घोटालों में आरोपी हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नारदा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। वहीं शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई के सलाहकार भी हैं। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल का शुभेंदु से मिलना गलत है। यह देश के दूसरे बड़े कानून अधिकारी के पद को कलंकित करता है। तो दोस्तों, ये थी सॉलिसिटर जनरल शुभेंदु से जुड़ी खबर। आप मेरा चैनल देखते रहिए और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।